कंपनी का पद भी नहीं है, और जो कि ये अपने पैसा से जाती हैं, फिर उसके बाद हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माई चैनल। सबसे पहले सभी लोग को मैं सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम बोलना चाहता हूँ। और बहुत से भाई लोग हमारे हैं यहाँ पे कुवैत में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है। और यहाँ पे मैंने एक बंदे को पकड़ा, और यहाँ पे बंदा सफाई कर रहा था और वहाँ पे बैठा हुआ था साइड में। तो मैंने सोचा कि भाई को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो बाद में मिला तो मैंने उससे पूछा। और भाई को क्या प्रॉब्लम है, इनको लैंग्वेज नहीं आ रही है, इनको आंध्रा लैंग्वेज आती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इंडिया में एक स्टेट पड़ता है, तो वो भाई वहाँ के रहने वाले थे और उनको थोड़ा हिंदी पता थी। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि ये लोग ये अरबी में बात कर रहे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ क्या बात कर रहे हैं। तो उनको खाने के लिए पैसा नहीं था, और ये ड्यूटी सुबह में आते हैं, इनका दोस्त छोड़ता है सुबह में, और फिर ये शाम को टाइम कैसे भी करके जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो इनका पैसा नहीं रहता है। लेकिन आज इनके पास पैसा नहीं था, तो मैंने इनको पैसा दिया है। बस चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो अभी ये मेरे साथ राजू भाई हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ये मिले थे यहाँ पर काम करते हैं। तो चाचा, आपके पास पैसा है कि नहीं है? हाँ बताइए, पैसा है आपके पास? कुल्फी या माफी बोल लेते हैं। पैसा भी? पैसा पैसा यानी कि ये बता रहे हैं कि और ये भाई बता रहे हैं कि अभी घर जाने के लिए इनको पैसा नहीं है, और डेली ये बस से जाते हैं, तो इनका पैसा जो कि खुद का रहता है, कंपनी का बस भी नहीं है, और जो कि ये अपने पैसा से जाते हैं, फिर उसके बाद मतलब कि इनको बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, और फिर ये अपने पैसा दे जाते हैं, और भाई को अभी पैसा नहीं है। तो चलिए मैं इनको देता हूँ। तो भाई अभी मेरे हाथ में कुछ पैसा है, और मैं इनको दूंगा कि और ये जाएं कुछ खाना पीना खा लें। और दे सकते हो, एक दिनार है, एक दिनार की नोट है, ये इंडिया पड़ जाता है लगभग 250 रुपया पड़ जाएगा। तो आप लोग जान सकते हो, चाचा लीजिए, आप चाचा पकड़ो, आप जाइए बस में जाइए, और बोलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू। और ये चाचा हैं, हमारे इंडिया के हैं, आंध्र प्रदेश रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और इनके पास कोई भी पैसा नहीं है यार। और यहाँ पे कैसे कैसे काम करते हैं, इनकी ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, और इनकी ड्यूटी बहुत ही रहती है चाचा, काम बहुत है, काम मुश्किल आता है, काम आपको बहुत ही ज़्यादा है, तो बताइए इनको, काम बहुत ही ज़्यादा है भाई को, और कैसे कैसे काम करते हैं। अगर आप लोग कोर्ट में आना चाहते हो तो आप लोग को पता होगा कि भाई अभी ये 42 साल में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये भाई थे, इनका नाम था राजू बासा नाम था इनका, और ये हमारे इंडिया के स्टेट आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, और इनको सैलरी टाइम पे कफील देता नहीं है, जो कि कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में भी कफील होते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैनेजर होता है उसको हम कफील बोलते हैं। आप जब कभी भी कुवैत में काम करने के लिए आएंगे ना, आपके उस पर सिविल आईडी में लिखा रहेगा कफील इस्मो, यानी कि कफील का नाम, तो हम उसको दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं, कफील या मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो उनकी सैलरी जो आती है 30 तारीख को आती है, लेकिन जो उनका कफील रहता है ना 15 तारीख को देता है, और कभी कभी तो यार उनकी सैलरी काट ही लेता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुख रहता हूँ यार कि ये भाई मेरे से ऐसा बोला, और वो वीडियो आने में जो वीडियो बनवाने में थोड़ा शर्म कर रहा था, और कैसे कैसे करके मैंने उनको वीडियो बनाई। और ये भाई यहाँ पे कमाते हैं 120 दिनार, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मियाँ अशरीन दिनार बोलते हैं अरबी में, और ये भाई 120 दिनार कमाते हैं, और रूम का पैसा देते हैं अलग से। रूम का पैसा जैसे कि उनका 30 दिनार लगता है, फिर उसके बाद खाने का पैसा, भाई बचता कितना यार, आप लोग जान सकते हो कितना बचता है, 50-60 दिनार बचता है, और वो भेजते हैं अपने वतन, अपने घर भेजते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वो किसी जहाँ रहते हैं, जैसे यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काम करने में, और इनका जो बास है ना, और जिनके जो बास होते हैं, उनके छोटे छोटे जो मैनेजर होते हैं, जो चूतिया लोग होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, उनको यार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बेचारा कभी कभी ये गुस्सा हो जाता है, और यार कभी कभी ये रोने भी लगता है। तो मैंने देखा है कि भाई ये बेचारा कभी कभी इतना गुस्सा हो गया ना, ऐसा लगता है कि काम छोड़ के भाग जाएगा, और कभी कभी तो मैंने देखा है कि झगड़ा करते हुए मैनेजर को, और डरता भी नहीं है, अच्छी बात है, डरता नहीं है। तो बेचारे लोग को, यानी बेचारे को भाई यार ये लोग परेशान करते हैं। तो एक बार मैं देखा कि ये भाई क्यों झगड़ कर रहा है, क्यों लड़ रहा है, तो मुझे बोला अरबी में, तो भाई को हिंदी मालूम नहीं है, तो 2% हिंदी पता है, 98% उनको अरबी आती है, अरबी भी सही से नहीं आ रही, क्योंकि भाई ये कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं कि इनको अरबी ज़्यादा आए या हिंदी ज़्यादा आए। ये भाई इनकी एज भी बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग देख सकते थे, पूरा बाल जो उनका था वाइट हो गया था, सफ़ेद हो गया था, और यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम से काम कर रहे हैं। आपको पता होगा भाई, आपके भी घर में कोई माता पिता होंगे, अगर
मान लेते हैं कि आपके कोई फादर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग जान सकते हो ये चाचा की कंपेयर आप लोग कर सकते हो किस कितनी प्रॉब्लम की वजह से ये पैसा कमाते हैं और सैलरी भी बहुत ही कम है यार इनकी। तो मैं आज इस वीडियो को वो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। मैं वीडियो को लंबे नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी बिजनेस रिलेटेड, लेकिन मैं इस वीडियो को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि यार हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो 45 साल वाले देखते हैं, सोचते हैं कि चलिए चलते हैं कंपनी में जॉब करते हैं। तो भाई यहाँ पे कंपनी में भी बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है उन लोग से, जैसे कि अगर आप लोग की तबीयत ठीक नहीं रहती है और काम ज़्यादा आ गया तो भाई आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ये लोग के अंदर कोई दिल नहीं होता भाई, क्योंकि ये अजनबी लोग से बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं और अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये लोग नहीं सोचते कि बेचारा इनकी एज ज़्यादा है कि इनकी एज कम है, जब काम आता है तो भाई ये लोग यार इतने क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ वर्ड नहीं है मैं मुझे बोलने के लिए, क्योंकि बोलना सही भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया है। तो ये लोग यार थोड़ा भी रहम नहीं करते कि ये छोटा लड़का है, ये चाचा है, ये इनकी ये ज़्यादा है, ये बुजुर्गों हैं। ये लोग यार काम एक तरीके से सबसे लेते हैं, जैसे कि अभी मुझे सामान उठाना है तो उसमें आमिल बोलते हैं लेबर वगैरह, उसमें बूढ़े बच्चे नहीं जोड़ते हैं ये लोग, जब उनको पता है कि एज 18 साल से लेकर 60 साल तक है तो इनको यार काम करना है, तो बस उनके अंदर यही चलता रहता है कि ये लेबर है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। बस कहीं कहीं पे ऐसी बात आती कि हाजा बच्चा ऐसा बोलते हैं, यानी कि ये छोटा है ये बच्चा है, तो उनको बस बोलने का मुंह यानी कि बस थोड़ा सा कलाम होता है कि ये बस छोटा है, बाकी काम के टाइम ये लोग के अंदर थोड़ा भी रहमी नहीं होती है। आपको 100% तो मिल सकता है लेकिन ज़्यादातर आपको इनके अंदर रहमी नहीं मिलेगा। तो ये चाचा बहुत ही परेशान थे और यहाँ पे एक कोयती भी आ गया था, मैंने जब मैं वीडियो बना रहा था तो बोला क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि इनकी लाइफ स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ एक यूट्यूब के द्वारा, ताकि भाई जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं कोयत आने से पहले अगर उनकी एज ज़्यादा है तो थोड़ा समझिए और आप लोग इंडिया में रहिए, थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग आओगे ना आपकी किस्मत कहीं अच्छी हो सकती है लेकिन किस्मत खराब भी हो सकती है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई कि किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ भाई सही किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किस्मत तभी तक आपके साथ रहेगी जब आप लोग जब तक कुछ ना कोशिश करोगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे काम किए हो, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है और आपका कफिल बहुत अच्छा है, हो सकता है भाई आपका कफिल चेंज हो जाए, यहाँ पे कंपनी में कफिल चेंज होते रहते हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे साथ कम से कम 4 से 5 कफिल लोग चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे मैनेजर जो ऑनर होते हैं, तो पहले बहुत अच्छे थे, पहले बहुत खराब था एक, फिर अच्छे थे फिर खराब थे, तो इसी तरह चलता रहता है। तो हम लोग उस माहौल में ढल चुके हैं तो हमको यहाँ पे पता है कि लोग के साथ कैसे व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसे बोलना है। और जो इस समय मेरा मैनेजमेंट है अभी एकदम कचरा है और हम लोग डरते नहीं हैं, मैं डरता नहीं हूँ बोलने में और मैं डरता भी नहीं, क्योंकि अगर मैं डरता तो ना बोलता और मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। और ये भाई यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा ही दूर कंपनी थी तो मैं वहाँ पे गया था कुछ सामान लेने के लिए, तो उसको मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और वो डर रहा था वीडियो में आने के लिए, तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप आराम से यानी कि बोल सकते हो शेयर कर सकते हो जो भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए।